कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने एक संक्रमण रोधी चैम्बर पर्सनल सैनिटाइजेशन इंक्लोजर तैयार किया है। इसे DRDO की लेबोरेटरी व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट BRDE अहमदनगर ने डिजाइन किया है। इस चैम्बर में लोगों को एक एक करके डिसइंफेक्ट किया जाता है। ये सिस्टम सैनिटाइजर और सोप डिस्पेंसर से युक्त है। फुट पैडल का उपयोग करके वायरस मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कक्ष में प्रवेश करने पर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप हाइपोसोडियम क्लोराइड की एक कीटाणुनाशक धुंध तैयार करता है। इसका स्प्रे 25 सेकंड के लिए होता है। इस प्रक्रिया में केवल एक सावधानी रखने की जरूरत होती है कि चैम्बर के अंदर अपनी आंखें बंद रखनी होती हैं। कुछ हॉस्पिटल जो क्वारंटाइन है, देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, देन आर्मी का ACCNS एंड MIRC, ये सब जगह अभी हम लोग वो टेंट बेस्ड सैनिटाइजिंग सिस्टम लगा रहे हैं, जिससे गाड़ी एज वेल एज पर्सन दोनों सैनिटाइज होगा। ये चैम्बर अस्पतालों, मॉल, कार्यालयों, भवनों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर तैनात कर्मचारियों के लिए उपयोगी है।